प्रदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे, चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। हम कड़े से कड़े शब्दों में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उन सब पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठे। इस कुकृत्य के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में 4 बजे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण या कांग्रेस विधायक दलों के नेतागण जो भी उपलब्ध होगा, आज तो वो इसकी भर्त्सना करेंगे ही। कल पूरे देश के अंदर राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर यह हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। 17 तारीख को एक दिन छोड़कर कल के बाद हर जिला मुख्यालय पर भी जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठे उसे दबाया जा रहा है। 31 साल के में सबसे अधिक पायदान पर महंगाई है। बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली राहुल जी की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी।